देखिए ये जो आज चेकिंग चल रही है ये मेनली जो यहाँ सिगरेट एंड सिगरेट के प्रोडक्ट से हम भेजे जा रहे हैं जो इन वायलेशन ऑफ द लॉ हैं जो कोर्ट पर है ना सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट उसमें दिया गया है कि किस किस्म का सिगरेट ये बेच सकते हैं। इसमें ना पिक्टोरियल वार्निंग है ना इसमें जो बाकी जो लवाजमत होनी चाहिए जो कंटेंट ऑफ तार एंड जो निकोटीन इनको देना है वो नहीं है इस पर, तो इसलिए हमने ये रेडर्स डाले हैं और ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हम सीज कर रहे हैं। तो इसमें फाइन भी होगा जो यहाँ पर शॉपकीपर बेच रहे हैं। देखिए इसके बाद इसमें कोर्ट में कार्रवाई हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली इसमें जो कार्रवाई हमें करनी है कोर्ट में ये जो प्रोडक्ट्स है ये हम पेश करेंगे, इनको इसमें जुर्माना भी होगा और किसी को इसमें कैद भी हो सकती है। सर अगर मार्केट की बात करें तो सबस्टैंडर्ड आइटम्स बहुत सारे बेचे जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, क्या उसमें भी ऐसे ही मतलब आप इंस्पेक्शन करेंगे? देखिए सबस्टैंडर्ड अगर आपने बात की तो आप मुझे लगता है कि फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो मुहिम है वो चलती रहती है, उसमें हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड आइटम्स हैं उनके सैम्पल्स उठाते हैं, तो बाद में जो उसमें कार्रवाई हमें करनी होती है अगर सबस्टैंडर्ड आता है तो अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई होती है, अगर अनसेफ आ जाता है तो अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई हो जाती है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मगर जो आज की ड्राइव है दिस इज स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड टू सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, आज की जो ड्राइव है वो उसी सिलसिले में हम इस वक्त ड्राइव के लिए निकले हैं, और जहाँ भी हमें लगेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जो वायलेशन में चल रहा है तो उन प्रोडक्ट्स को हम सीज कर रहे हैं और फिर उसमें आगे की कार्रवाई हम अमल में लाएंगे।